नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे रिश्तेदारी का ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसकी निशानियां होती हैं, क्या इसका असर होता है और रिश्तेदारी के ऋण का क्या उपाय होता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, रिश्तेदारी का ऋण क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका असर होता है, क्या इसकी निशानियां होती हैं और इसका उपाय क्या होता है। दोस्तों, रिश्तेदारी के ऋण का संबंध मंगल से होता है। तो जब जन्म कुंडली, दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस ऋण को जन्म कुंडली से देखा जाता है, वर्ष कुंडली से, वर्ष फल से इस ऋण को नहीं देखा जाता। तो इस ऋण का संबंध जन्म कुंडली से है, वर्ष कुंडली से नहीं है। तो जब जन्म कुंडली के जब जन्म कुंडली में मंगल के घरों में, अब मंगल के घर है दोस्तों खाना नंबर 1, खाना नंबर 8। तो जब जन्म कुंडली में मंगल के घरों में खाना नंबर 1, खाना नंबर 8 में बुध केतु बैठे हों, बुध केतु बैठे हों, तो रिश्तेदारी का ऋण बनता है। अब दोस्तों, इस ऋण के बनने के पीछे क्या कारण होते हैं? तो इस ऋण के बनने के पीछे दोस्तों कारण है कि किसी मित्र को, किसी दोस्त को जहर देकर मारना या किसी की पकी पकाई खेती को आग लगा देना या किसी की भैंस जो बच्चा देने वाली हो उसको मार देना या मरवा देना, मकान बनाने पर आग लगा देना। तो दोस्तों, ये इस ऋण के बनने के कारण है। अब इस ऋण की निशानियां क्या है, क्या होती हैं इस ऋण की निशानियां? तो इस ऋण की जो आम निशानियां हैं, जो लाल किताब में बताई गई हैं, वो है दोस्तों कि व्यक्ति, इंसान रिश्तेदारों से मिलने से नफरत करने वाला होता है या बच्चों की पैदाइश और गृहस्थी में दिन त्यौहार के वक्त, मतलब बच्चों का बर्थडे और गृहस्थी में जब भी कोई त्यौहार का वक्त आता है तो उस वक्त वो खुशी मनाने से नफरत करने वाला होता है या दूर रहने वाला होता है। अब दोस्तों, इस ऋण का क्या असर है, रिश्तेदारी के ऋण का? तो बड़ी खूबसूरती से इसमें लाल किताब में पंडित जी ने लिखा है दोस्तों, बहुत समझने वाली बात है, बहुत गहरी बातें लिखी हैं। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि जिस्म में खून पैदा हुआ, शरीर में खून पैदा हुआ, खून मतलब मंगल, खून का कारक मंगल होता है दोस्तों, मुंह पर मूछें आने लगी मर्दों के, तो मुंह पर मूछें आने लगी या औरत के संबंध में, दोस्तों औरत के संबंध में, औरत के महावारी मेंसेस शुरू हुए, तो बच्चा पैदा करने का समय आया, जिस भी नए काम में हाथ डाला उसका नतीजा अपने आप खुद ब खुद नेक हुआ, मतलब उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, जिस भी काम में हाथ डाला उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला, जो नहीं भी जानता था कोसों दूर से ऐसे प्राणी से मिलने का इच्छुक हुआ
लोगों के मन में ऐसे प्राणी से मिलने की इच्छा जाहिर हुई। दोस्तों, जिसकी कुंडली में ये रिश्तेदारी का ऋण बनता है उसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसे प्राणी से मिलने का इच्छुक हुआ। दुश्मन ऐसे व्यक्ति से झिझकने लगे, दुश्मन दूर होने लगे और दोस्त आशा रखने लगे, उम्मीद रखने लगे। जो भी दांतों में आया खुद ब खुद ही चक्की में अनाज के साथ घुन की तरह पिसता चला गया। मतलब जिसने भी दुश्मनी की ऐसे व्यक्ति से, वो बर्बाद हो गया। जंग के मैदान में, राजसभा में, यार दोस्त के संबंध में, और दोस्तों ये स्त्री के लिए है कि स्त्री के लिए दरबार और माता का परिवार, इसके संबंध में। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि जंग के मैदान में, राजसभा में, यार दोस्त के संबंध में इंसान को नेक फल मिल रहा था, वो स्त्री के लिए है दोस्तों कि स्त्री को दरबार और माता के परिवार के संबंध में नेक फल मिल रहा था। उसकी तलवार का डंका हर जगह बज रहा था, मतलब उसकी बहुत ख्याति हो रही थी, बहुत वह फेमस हो रहा था कि अचानक ही क्या हुआ कि गुमनाम आग भड़क उठी। छत पर पहुंचने से अभी थोड़ा ही नीचे था कि कमर टूट गई, छाती की हड्डियां टूट गईं, मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे, पर किसी यार दोस्त ने मदद नहीं की और मिट्टी की डली के इल्जाम में ही उसका खून बहा दिया गया। रहम ने उस इंसान का साथ छोड़ दिया। रहम होता है दोस्तों मंगल नेक, तो मंगल नेक ने उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया। मुंसिफ ने नज़र फेर ली, मुंसिफ मतलब दोस्तों न्याय करने वाला, जस्टिस करने वाला। तो मुंसिफ ने नज़र फेर ली और जिंदा ही कब्र में गाड़ दिया गया उस व्यक्ति को। वह अपने धर्म ईमान पर चलता रहा या वह अपने धर्म ईमान पर चलता रहा, हर एक पर भरोसा रखा, मगर दुनिया ने उसे खांड की जगह रेत दी। मतलब किसी ने उसका साथ नहीं दिया दोस्तों। एक नहीं, जो भी खानदान में होनहार सबसे अच्छा प्रभावशाली प्राणी साबित होता हुआ मालूम होने लगा, अचानक ही मौत का शिकार हो गया या बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के तबाह और बर्बाद हो गया। जिसकी कुंडली में रिश्तेदारी का ऋण होता है दोस्तों, उम्र के 26 साल से 36 साल के बीच हर तरह से नुकसान, मुसीबतें और बीमारियां गले पड़ने लगी। मतलब जवानी क्या आई कि मूछे भी, मूछ के जो बाल आने शुरू होते हैं दोस्तों उसके बारे में यह बताया गया है कि जवानी क्या आई कि मूछे भी मौत की किरणें साबित होने लगी। दोस्तों, इसका जो सार निकल के आता है सारी बात का, वो ये है कि जवान होते ही जिंदगी बड़ी कामयाबी से बीत रही होगी, बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी चल रही होगी, पर 28 से 36 के बीच अचानक सब बर्बाद और बिना वजह बर्बाद या तबाह होता हुआ देखा गया या तबाह हो गया। मुंह पर मूछे निकलते ही बर्बादी का वक्त शुरू हुआ। अब दोस्तों, इस ऋण का क्या उपाय बताया गया है, रिश्तेदारी के ऋण का? तो दोस्तों, इसमें पंडित जी ने बताया है कि जब अपने गांव, अपने मोहल्ले में एंट्री करते वक्त, दाखिल होते हुए कोई दरमियान की दुकान, ना कोई बीच की दुकान,
सनीचर का कारोबार करने वाले व्यक्ति की हो, मतलब उस व्यक्ति की हो जो सनीचर से संबंधित चीज़ों का कारोबार करता है, तो उसको दोस्तों उस व्यक्ति को कुल खानदान के हर एक मेंबर से, जहाँ तक खून का असर हो तो अपने कुल खानदान के हर एक मेंबर से जहाँ तक खून का असर हो बराबर बराबर रुपए लेकर उस व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ दे जो उसके कारोबार से संबंधित हो और उस व्यक्ति को प्रार्थना करे कि ज़रूरतमंद लोगों को वो चीज़ मुफ्त में देता रहे। अब दोस्तों ऐसे व्यक्ति की निशानी भी बताई गई है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की निशानी के बारे में बताया गया है कि गांव या मोहल्ले में जब ईस्ट की तरफ से एंट्री करते हैं तो पूरब से जब दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद जो भी पहला चौराहा मिले वहां रुककर अपने दाएं हाथ की दिशा में देखने पर, अपने राइट हैंड की जो भी डायरेक्शन है वहां देखने पर कोई ऐसी दुकान मिलेगी जिसका दरवाज़ा भी व्यक्ति के दाएं हाथ की तरफ होगा, उसके राइट हैंड की तरफ होगा। बाएं हाथ की तरफ अगर कोई दुकान हुई, लेफ्ट हैंड की तरफ अगर कोई दुकान हुई तो उसका मालिक उसको बेच चुका होगा, जिसने खरीदी होगी उसका लड़का मर गया होगा या उसके यहाँ नर औलाद ही नहीं होगी, मतलब मेल चाइल्ड उसके यहाँ नहीं होगा, और अगर होगा औलाद होगी, मेल चाइल्ड होगा तो वो शख्स औलाद की जवानी भी ना देख सका होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति सनीचर नंबर 4 का मारा हुआ था, सनीचर खाना नंबर 4 का मारा हुआ था, जो हकीम वैद्य या डॉक्टर होते हुए भी सनीचर की चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए बेचने का आदी होगा। अगर वो लोहे का कारीगर हुआ तो कच्चे लोहे को पक्का कहकर बेचता होगा, मतलब सनीचर की चीज़ों को ऐसे धोखे से बर्बाद करता चला गया और उसके बुरे असर को सिर्फ जिस व्यक्ति के पास दैवीय ताकत होती है उस ताकत का मालिक ही समझ पाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।